हेलो दोस्तों, आप सभी को एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उस घंटे को भी जरूर दबाएं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक OBB साउंड मोड गाइस। ये सिर्फ 1 MB का साउंड मोड है। तो आप इधर इस बस का साउंड स्नोरिंग देख सकते हो, ये बहुत ही कमाल का है गाइस। तो ये सिर्फ मात्र 1 MB का है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आपके पास ट्रैफिक मोड होना चाहिए गाइस। अगर आपके पास ट्रैफिक मोड नहीं है तो आप उसे डाउनलोड करें, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है गाइस। आप पहले ट्रैफिक मोड डाउनलोड कीजिए। तो आप इधर देख सकते हो कितना शानदार है साउंड। तो पहले बसित में अच्छा साउंड था गाइस, और उसके बाद न्यू अपडेट्स में साउंड को कम कर दिया बसित वालों ने, लेकिन इस OBB से साउंड फिर से ज़्यादा हो जाएगा गाइस। और आपके पास जारसीवर के नाम के आपको होना चाहिए गाइस इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो चलो ट्यूटोरियल की ओर। तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है गाइस। तो उसके बाद आपको एक मीडिया फायर का वेबसाइट देखने को मिलेगा, और उसके बाद डाउनलोड करना है गाइस। तो इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है गाइस। तो मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपको बाहर आना पड़ेगा गाइस। तो बाहर आने के बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको जारसीवर नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये सिर्फ जारसीवर में वर्क करेगा गाइस। फाइल मैनेजर में ट्रिक वर्क नहीं करेगा। तो आपके पास जारसीवर होना चाहिए। तो जारसीवर को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, और उसके बाद आपने डाउनलोड किए हुए जिप फाइल को सेलेक्ट करना है गाइस। तो उस जिप फाइल का नाम साउंड एगोग बाय ब्लिंक जिप पे गाइस, उसे एक्सट्रैक्ट ईयर पर क्लिक करना है गाइस। तो एक्सट्रैक्ट ईयर पर क्लिक करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा, साउंड नैगोरॉक नाम का एक फोल्डर देखने को मिलेगा, उसे क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के बाद आपको 6 फाइल देखने को मिले, 7 फाइल देखने को मिलेगा गाइस, 7 फाइल्स उसे सेलेक्ट करना है गाइस। मल्टी सेलेक्ट करके 7 फाइल्स को एक ही बार सेलेक्ट करना है गाइस। सेलेक्ट करने के बाद आपको टिक मार्क पर क्लिक करना है, और उसके बाद कॉपी करना है गाइस। तो इसे कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉइड पर जाना है, और OBB पर क्लिक करना है, और उसके बाद मैन्यू बस सिमुलेटर आईडी फोल्डर में क्लिक करना है, और उसके बाद फाइल को भी क्लिक करना है, और उसके बाद एसेट्स, उसके बाद बिन और डेटा, और इधर इसे पेस्ट करना है गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए गाइस। मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।